हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेवीज वाइव ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग है गोल्ड पेंडेंट पर। तो ये रहे कुछ पेंडेंट के कलेक्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो टेबल है उसका आपको कलर चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि रोज़ जब भी आपने कभी ऐसा देखा होगा ब्लॉग तो उसमें आपने ब्राउन देखा होगा, लेकिन इस पर नया वॉलपेपर लगाया है तो इसलिए ये वाइट दिख रहा होगा। सो गाइज, ये रहा एक पेंटिंग जो कि कुछ ऐसे शेप में है, और ये आपको कैसा डिज़ाइन लग रहा है आप ज़रूर बताना। तो मुझे तो ये इन सभी में से सबसे प्यारा लगा था। और जो लेडीज़ मतलब मैरिड हैं वो ऐसा पहनना प्रेफर करती हैं। तो इसका जो होल मार्क है वो पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो सेकंड डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है, तो ये भी होल मार्क ही है इसका 750 और 18 कैरेट। तो ये तीनों, अगर मैं पेंडेंट की बात करूँ तो ये सभी के सभी 18 कैरेट 750 है। तो और अभी सोने का प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ किया है शेयर मार्केट के कारण, क्योंकि अभी शेयर मार्केट ख़राब चल रहा है इस वजह से, तो थोड़ा सा गोल्ड का प्राइस राइज कर गया है। तो ये एक पेंडेंट जो है थर्ड, ये भी है होल मार्क 18 कैरेट और 750। तो ये कुछ डिज़ाइन जो कि बहुत ही कॉमन है, आप हर एक मैरिड लेडीज़ को वो कभी ना कभी तो ऐसा कुछ पहना देखा होगा आपने। तो मुझे वो पर्सनली थर्ड वाला नहीं पसंद आ रहा था, ये फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन सबसे प्यारा मुझे ये फर्स्ट वाला लग रहा था। तो होलमार्क में रहता प्योरिटी का आपको गारंटी रहता है, पहले ऐसा होता था कि होलमार्क नहीं मिलता था। तो इन तीनों में से आप बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है सबसे ज़्यादा, और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और कमेंट मेरे को बहुत ही मैटर करेगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो प्लीज़ कर लेना, ताकि मेरे हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और आपको ये कैसा लगा पेंडेंट का कलेक्शन ज़रूर बताना, और क्योंकि अभी धनतेरस आने वाला है तो धनतेरस में तो धन को तो ख़रीदा ही जाता है, और एक गोल्ड ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आप मतलब इसमें पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ये कभी ना कभी फ्यूचर में आपको काम आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको गोल्ड जब भी कुछ अगर परचेज़ करना है तो गोल्ड ज़रूर परचेज करके रखो, ताकि एक तरह का ये सेविंग ही है समझो। तो आपको इन तीनों डिज़ाइन से कौन सा अच्छा लगा, और मेरी वीडियोस पे प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिंग का ब्लॉग बनाऊंगी जो कि बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है, तो ब्लॉग में बने रहना आप लोग। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लव यू ऑल।